हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स देने जा रहा हूं वो केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है, और इस ट्रिक से आप फर्स्ट ऑर्डर के प्रॉब्लम को विदाउट कैलकुलेशन एंड विदाउट फार्मूला कर सकते हैं। तो वो कैसे, ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर वन कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अगर मुझे लिखना हो तो R इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम, डेट इज रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ए की पावर वन। क्यों? क्योंकि इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखूं तो कंसंट्रेशन टाइम t इक्वल टू जीरो पे C नॉट है और कंसंट्रेशन टाइम टी पे सी टी है, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपको आएगा टी इज इक्वल टू वन बाई के एल एन ऑफ सी नॉट बाई सी टी। ध्यान देना है इस पॉइंट पे कि इट इज ए रेशियो, तो रेशियो होने की वजह से फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को हम मोल में सॉल्व कर सकते हैं, मास में सॉल्व कर सकते हैं, प्रेशर में सॉल्व कर सकते हैं एंड वॉल्यूम में सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये रेशियो होने की वजह से हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को इन चारों में से किसी में भी सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, हमें कैसे पता लगेगा कि इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होगी वो टाइम इन्वर्स होगी, लाइक सेकेंड इन्वर्स, मिनट इन्वर्स, आवर इन्वर्स, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। राइट नाउ पॉइंट नंबर टू कि एट टी इक्वल टू टी हाफ कंसंट्रेशन सी टी जो है वो सी नॉट बाई टू। यहाँ पे ध्यान देंगे जो सी टी है मेरा वो कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी है, कितना बचा हुआ है वो पुट करना है, कितना रिएक्ट हो गया वो नहीं पुट करना है, इस पॉइंट पे ध्यान देंगे। तो एट टी इक्वल टू टी हाफ कंसंट्रेशन सी टी कितना बच जाएगा, सी नॉट बाई टू, तो इसको अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हाफ लाइफ टाइम एल एन टू बाई के आता है, और एल एन टू की वैल्यू 0.693 बाई के, 0.693 को अप्रॉक्सीमेटली 0.7 बाई के। तो यहाँ पे अगेन क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो यहाँ से भी आपको पता लगेगा अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, डैट मीन्स डेफिनेटली वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और के बारे में आपको मालूम है कि के कब चेंज होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा, इसलिए मोल चेंज करने से, मास चेंज करने से, प्रेशर या वॉल्यूम ये सब चेंज करने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ कब चेंज होगी, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे। इसलिए हाफ लाइफ टाइम एक तरीके से एक फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स हो गया है, आइदर आप मोल चेंज कर लो, मास चेंज कर लो, प्रेशर या वॉल्यूम, हाफ लाइफ टाइम उस रिएक्शन का चेंज नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि एल एन टू एक फिक्स वैल्यू और के तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। पॉइंट नंबर थ्री जो पॉइंट नंबर टू से ही बनाया कि इसका मतलब हर बार एवरी टाइम कंसंट्रेशन को या मोल या मास को या प्रेशर को या वॉल्यूम को अगर मैं हाफ करूं तो सेम टाइम लगने वाला है। राइट क्यों? क्योंकि मैं के को तो चेंज ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूं, तो हर बार कंसंट्रेशन को मैं हाफ करूं या मोल को हाफ करूं या मास को या प्रेशर को या वॉल्यूम को आधा करने में मुझे सेम टाइम लगेगा, डेट इज हाफ लाइफ टाइम। तो उसी से हमने बनाया है मैन ट्रिक, और जिससे आप प्रॉब्लम को कर सकते हैं विदाउट फार्मूला एंड विदाउट सॉल्विंग। और ध्यान से समझे कि मैंने इधर लिखा है लेफ्ट और इधर लिखा है परसेंटेज कंप्लीट। तो सपोज करो मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन सी था, तो सी से सी बाई टू हाफ होने में टी हाफ लगेगा, फिर सी बाई टू से सी बाई फोर फिर हाफ लाइफ टाइम लगेगा, फिर सी बाई फोर से सी बाई एट फिर हाफ लाइफ टाइम लगेगा एंड सो ऑन, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि कितना लेफ्ट है परसेंटेज में या कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, तो उस टाइप का भी दे तो बहुत ईजी है। ध्यान से देखो, लेफ्ट में अगर मैं 100 मार रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है कंप्लीट में 0 होगा, परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसलिए 100 लेकर के चल रहा हूँ मैं। फिर 100 से 50 होने में एक हाफ लाइफ टाइम, फिर 50 से 25 होने में एक और हाफ लाइफ टाइम, दैट मीन्स अब ध्यान से देखो तो हर बार मैं वैल्यू को आधा करते जा रहा हूँ, 100 का हाफ 50, फिर 25, फिर 12.5, 6.25 एंड सो ऑन, हर बार मैं हाफ करते जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। और तो ये हो गया लेफ्ट, कितना परसेंटेज लेफ्ट है, और परसेंटेज कंप्लीट क्या हो जाएगा, दोनों का सम 100 होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर लेफ्ट 100 है तो 0% कंप्लीट, और यहाँ पे अगर 0.1 लेफ्ट है परसेंटेज में तो 99.9% कंप्लीट हो चुका है।
तो हर बार आप ध्यान से देखो, मैंने लिख ही दिया है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 times of T half। कैसे? क्योंकि ये 3 T half के बराबर हो गया, राइट। या फिर उसी को ऐसे पूछा जा सकता है कि 12.5% लेफ्ट होने में कितना टाइम लगेगा, तो सेम वैसे ही अगर मुझसे पूछा जाए कि 99.9% कंप्लीट होने में या 0.1% बचे रहने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 times of T half। तो कैसे? तो वेरी सिंपल है, हर बार आधा होने में सेम टाइम लगता है। तो आप देख सकते हो 10 हाफ लाइफ टाइम वहाँ तक पहुँच जाएगा। कभी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया सर कि 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो कैसे निकालेंगे 90%? तो देखो 90 इज इन बिटवीन 87 to 93, तो हमें जो टाइम लगेगा वो 3 half lifetime और 4 half lifetime के बीच का। आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उससे इजीली कर लोगे। वैसे ही अगर हमसे पूछ लिया कि 97% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो वेरी सिंपल, 97 इज इन बिटवीन 96 and 98, तो डैट मीन्स 5 or 6 half lifetime के बीच वाला जो ऑप्शन होगा वो हमें टिक करना होगा। नाउ एक पॉइंट और ध्यान देना है कि देखो हर बार हाफ लाइफ टाइम तो सेम है, टाइम तो सेम लग रहा है, लेकिन गैप जो आपका वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ध्यान से देखो 100 से 50, यहाँ 50 का गैप है, फिर यहाँ 25 का, यहाँ 12.5 का, एंड सो ऑन। तो गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा लेकिन टाइम सेम लगेगा। तो इससे भी हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को आंसर तक पहुँचा सकते हैं। ये तो हो गया मेन ट्रिक, अब हम इस पे बेस्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इनिशियल प्रेशर 800 mmHg है, 10 मिनट के बाद प्रेशर अगर 1600 mmHg हो रहा है, तो 30 मिनट के बाद आपको प्रेशर बताना है। इस टाइप के कंसेप्ट वाले प्रॉब्लम मेंस में 4 बार पूछे गए और रिसेंटली ये 2023 में 13 अप्रैल को SIF2 में आया हुआ है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, विदाउट फार्मूला एंड विदाउट कैलकुलेशन। पहले इस पॉइंट को समझो कि 10 और 30 मिनट क्यों रिलेट किया है, हो सकता है कहीं ना कहीं ये हाफ लाइफ हो, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, जब ए आपका रिएक्ट हो रहा है तो 2B+C दे रहा है, राइट। ए का इनिशियल प्रेशर कितना है, 800 mmHg, ये इसी का क्यों होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ ए है, राइट, बी और सी तो बन रहे हैं, तो ये 0-0 होंगे। अगर टाइम 10 मिनट के बाद अगर मैं मान लूं कि इसका x रिएक्ट हुआ, तो इसका 2x बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका कोफिशेंट 2 है और इसका कोफिशेंट 1 है, तो इसका x बनेगा। तो आपको गिवन है कि 10 मिनट के बाद टोटल प्रेशर 16, तो ये सबको ऐड कर दो, तो इसका सम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 800 + 2x डैट शुड बी इक्वल टू 1600, तो यहाँ से x आ गया 400। x 400 आने का मतलब क्या हो गया कि 10 मिनट के बाद इसका कितना प्रेशर है, 400। अब ध्यान से देखो एक रिलेशन मिल रहा है, 800 का हाफ है 400, तो ये इसका मतलब 10 मिनट क्या हो गया मेरा, T half, तो T half है। तो अब हमसे पूछा गया कि 30 मिनट इज 3 times of T half, राइट। तो यू नो कि 3 times of T half कैसे लिखेंगे, 800 से 400 हुआ, 400 से 200 हुआ, 200 से 100 होगा, राइट। तो ये 3 times T half हो गया, तो इसका बचा कितना, 100, तो रिएक्ट कितना हो गया होगा, 700, क्यों, क्योंकि 800 लिया था, 100 सिर्फ बचा है, तो इसका मतलब 700 रिएक्ट हो गया, तो इसका कितना बन जाएगा, 700 into 2, क्यों, क्योंकि स्टॉइकोमेट्री 2 है, तो इसका 1400 बन जाएगा। इसका कितना बनेगा, 700 into 1, तो इसका 700 आपका बन जाएगा, इसका 1400, इसलिए टोटल प्रेशर आफ्टर 30 मिनट कितना हो जाएगा, तो देख लो 1400 + 700 + 100 इसका बचा हुआ लेफ्ट, तो 100, तो आंसर विल बी 2200। तो इस टाइप के प्रॉब्लम कई बार पूछे गए, देखो विदाउट कैलकुलेशन एंड विदाउट फार्मूला। क्वेश्चन इज कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल प्रेशर 800, 10 मिनट के बाद 1600 प्रेशर हो रहा है, तो 30 मिनट के बाद कितना होगा। तो अगर 10 मिनट के बाद 1600 हो रहा है, तो क्या 10 मिनट हाफ लाइफ टाइम है, तो सपोज करते हैं कि वो हाफ लाइफ टाइम है, तो अगर हाफ होगा तो इसका कितना हो जाएगा, 400, चूँकि इसके एक मोल से 2 मोल मिल रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 800, और इसका कितना हो जाएगा, 400, तो क्या टोटल प्रेशर 1600 हो रहा है, यस, इसका मतलब ये टी हाफ कितना है हमारे पास, 10 मिनट। तो हमसे क्या पूछा गया है, 30 मिनट के बाद, 30 मिनट इज वॉट, 3 times of T half, तो 3 times of T half मतलब क्या हो गया, फिर 400 से कितना हो जाएगा, 200 से कितना हो जाएगा, 100, डैट मीन्स
इसका कितना बचा 100, तो रिएक्ट कितना हो गया 700, तो इसका कितना बनेगा 1400, क्यों, क्योंकि कोफिशियंट 2, और इसका कितना बनेगा 700, क्यों, क्योंकि कोफिशियंट 1। तो टोटल प्रेशर आफ्टर 30 मिनट कितना हो गया, ध्यान से देखो 2200। योर आंसर विल बी हियर। क्वेश्चन नंबर 2 में दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, दोनों फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, दोनों का हाफ लाइफ टाइम गिवन है 15 एंड 5, और एक का कंसंट्रेशन सी है, बी का अगर 4C है, तो कितने टाइम के बाद दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। कैसे करेंगे, सिंपल ट्रिक से, ध्यान से देखो, ए का सी से सी बाई टू होने में कितना लग जाएगा 15 मिनट, जबकि बी का 4C से 2C होने में 5 मिनट, फिर 2C से सी होने में 5 मिनट, फिर सी से सी बाई टू होने में 5 मिनट, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 15। तो 15 मिनट में ये सी बाई टू हो रहा है और ये भी 15 मिनट में सी बाई टू हो रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 15। 15 मिनट के बाद दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ए का मोल्स और बी का मोल सेम है, ए का हाफ लाइफ टाइम अगर 100 है, बी का 50 है, तो आपको पूछा गया कि कितने टाइम के बाद कंसंट्रेशन ए का या मोल्स ए का 4 times ऑफ बी होगा। तो अगेन वेरी सिंपल, कैसे करेंगे ट्रिक से, ध्यान से देखो, ए का अगर 100 है तो x से x by 2 होने में कितना लगा 100, और x by 2 से x by 4 होने में 100, राइट, तो यहाँ से यहाँ तक होने में कितना लगेगा इसको 200। अब यहाँ से ध्यान से देखो, x से x by 2 होने में 50, फिर x by 2 से x by 4 होने में फिर से 50, तो टोटल 100, फिर x by 4 से x by 8 होने में 50, फिर x by 8 से x by 16 होने में 50, तो टोटल यहाँ तक कितना हो गया 200। तो 200 सेकेंड में ये x by 16 है और 200 सेकेंड में ये x by 4 है, जो कि इसका क्या है 4 times है। तो यही हमें क्वेश्चन पूछा गया कि a का कंसंट्रेशन 4 times ऑफ b कब होगा, तो देख सकते हो आंसर क्या हो जाएगा 200 सेकेंड। विदाउट सॉल्विंग ऐसे क्वेश्चन को मेंस में आए हुए हम कर सकते हैं, वो भी रफी सर के सिंपल ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की रेट कांस्टेंट गिवन था 20 मिनट इनवर्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स 132 लेवल, उस लेवल होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखें, वेरी सिंपल है कि अगर रेट कांस्टेंट आपको गिवन है और 132 का मतलब क्या हो गया सी सी बाई टू सी बाई फोर सी बाई एट सी बाई 16 एंड सी बाई 32, तो यहाँ से यहाँ तक होने में ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, तो जो टाइम होगा वो 5 times ऑफ टी हाफ हो जाएगा, और टी हाफ निकाल सकते हैं, यस टी हाफ क्या होता है ln 2 बाई के, कि आपको गिवन था कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा 5 into ln 2 0.693 by 20, हमें जो निकालना है वो 10 की पावर -2 में, तो इसका अगर डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, तो राइट, तो इसको कैंसिल करोगे तो 5 4 द और 4 से ये 17 times में, तो 17 into 10 की पावर -2, तो योर आंसर विल बी 17। ये इंटीजर टाइप में पूछा गया, ध्यान से देखो, विदाउट फार्मूला विदाउट कैलकुलेशन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 कि 1 microgram था, हाफ लाइफ टाइम 30 ईयर है, तो कितना रिमेनिंग होगा आफ्टर 100 ईयर, तो हाफ लाइफ टाइम 30 ईयर है, राइट, तो पहले 1 था तो 1 by 2 से 1 by 4 और 1 by 4 से 1 by 8, दैट मीन्स ये 0.5 हो गया, ये 0.25 हो गया, ये 0.125 हो गया, तो यहाँ पहले 30 ईयर लगा होगा, फिर 30 ईयर और फिर 30 ईयर और फिर इसके आगे हमें थोड़ा जाना है, क्यों, क्योंकि टोटल तो यहाँ से यहाँ तक में कितना हुआ 90 ईयर्स, हमें 100 ईयर्स के बाद पूछा गया है, तो जो भी आंसर होगा रिमेनिंग पूछा गया है, तो जो भी आंसर होगा वो 0.12 से कम, ऑप्शन चेक करो, 0.5 नॉट पॉसिबल, 0.2 नॉट पॉसिबल, 1.2 से कम, तो 1.5 नॉट पॉसिबल, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। तो अब ध्यान से देखो, विदाउट सॉल्विंग और विदाउट कैलकुलेशन में कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को, और ये सब मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, हाफ लाइफ टाइम 3 days है, 12 दिन के बाद 12 डेज के बाद 3 ग्राम रिसीव हो रहा है, तो इनिशियल मास कितना होगा, तो ध्यान से देखो इसमें क्या रिलेशन है, 3 days और 12 days में 4 times है, राइट, तो अगर 3 ग्राम था तो 3 ग्राम से पहले कितना रहा होगा 6 ग्राम, 6 ग्राम से पहले कितना रहा होगा 12 ग्राम, 12 ग्राम से पहले 24 ग्राम, डबल करते जाना 24 से पहले 48 ग्राम, राइट,
क्यों मैंने चार बार क्यों किया, क्योंकि फोर हाफ लाइफ टाइम का डिफरेंस था, 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब इनिशियल मास कितना रहा होगा, 48 ग्राम, ऑप्शन सी विदाउट सॉल्विंग एंड विदाउट फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 7 में ए गिव्स यू प्रोडक्ट पी और कंसंट्रेशन ए का 0.1 से 0.025 होने में 40 मिनट लग रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताना जब कंसंट्रेशन ए का 0.01 मोलर हो, और ये गिवन था कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, राइट। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे विदाउट कैलकुलेशन, अगर 0.1 था तो 0.1 से 0.05 आधा होने में टी हाफ लगेगा, राइट। फिर 0.05 से इसका हाफ 0.025 होने में फिर से टी हाफ लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको टाइम गिवन है 40 मिनट, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ किसके बराबर हो गया 40, इसलिए टी हाफ कितना हो जाएगा 20 मिनट, राइट। वी नो टी हाफ इज इक्वल टू ln 2/k, इसलिए यहाँ से k कितना हो जाएगा ln 2/t½, दैट इज 0.693/t½ इज 20। नाउ हमें रेट निकालना है जब कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 0.01 मोलर, पुट कर दो यहाँ के आप निकाल चुके हो, 0.693/20 × 0.01। हमें जो आंसर लेना है वो 10^-, में, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड भी, तो ये हो जाएगा 6.93, क्योंकि सब साइंटिफिक नोटेशन में ऑप्शन गिवन थे, तो 6.93 हो गया, राइट। तो इसका 10, और ध्यान से देखो तो ये 2 और ये सब कितना हो जाएंगे 10^-4, कैसे इसको लिखा 10^-2, एक 0 ये तो ऐड हो गया, और एक 10 मल्टीप्लाई किया तो 10 डिवाइड भी करेंगे तो 10^-4, तो ये 3 point something होगा, ऐसा एक ही ऑप्शन है बी। तो इस तरीके से आपको करना है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को रफी सर के ट्रिक से। नाउ अब जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसके लिए मैं आपको 5 point दे रहा हूँ जिससे आप पता कर सकते हो। रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर टाइम इनवर्स में है तो इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर रेडियो एक्टिव डीके कहीं पे भी लिखा हुआ है तो सारे के सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ कि हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन से, तो इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर है। कहीं पर अगर ऐसे गिवन है कि ए गिव्स यू प्रोडक्ट पी और कंसंट्रेशन ए का अगर डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है, तो इसका मतलब अगेन ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 5th point जो क्वेश्चन में मेंशन ही कर दे कि इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये 5 point से आप पहचान सकते हो कि वो गिवन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं। और अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो रफी सर के ये वाले ट्रिक्स आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। एक पॉइंट और ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, राइट। वो 100% कंप्लीट नहीं हो सकती, जबकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है और उसको 2 times of t½ लगता है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। इस पर बेस्ड जितने भी PYQ हैं आप सॉल्व कर सकते हो, मोस्ट ऑफ देम हमने आपको बताया कि कैसे करना मेरे सिंपल ट्रिक से विदाउट कैलकुलेशन एंड विदाउट फार्मूला। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।